कीजिए प्लीज। ये ना मैं लेकर आई आपके लिए। यू टू कब लाई? उसी दिन जब आप मैंने खरीदारी कराने ले गए थे। आंटी सरोजनी की कोई गलती ना है, सारी गलती मारी है। जो सजा दी आप मरने दो, मरने माफ कर दो आंटी, माफ कर दो। प्लीज रास्ते में नाटक मत करो तुम। आंटी आंटी मैं सच कह रही हूं, आंटी सरोजनी की कोई गलती ना है, सारी गलती मारी है। जो किया मैंने की, सरोजनी से दोस्ती मैंने की, आपके घर भेष बदल के आने की गलती मैंने की, ढाबे पर अनजाने में अंकल की बेइज्जती करने की गलती मैंने की, सरोजनी कुछ नहीं की आंटी, सारी गलती मारी। जो सजा देनी आप मारे को दो, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। सब देखो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए मजाक है, गुड्डे गुड़ियों का खेल होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। तुम एक जमींदार के घर के लड़के हो, हम मध्यम वर्ग के लोग, ऐसे नहीं है कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कि एक पिछड़े सोच के लोग हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। ये समय सरोजिनी का पढ़ाई का है, कुछ बनने का है, आगे बढ़ने का है। इस समय अगर उसका कदम अटक गए ना, वो उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी जहां उसे पहुंचना चाहिए। इसलिए भगवान के लिए उसका पीछा छोड़ दे। तुम उसे बहुत प्यार करता है ना, अगर उसे खुश देखना चाहता है तो उसे पढ़ने दो। अगर तुम ये नहीं कर सकता है ना, तो अब भी बता दो, मैं उसे दूसरे स्कूल में डाल दूंगा। बट आई एम वार्निंग यू, इस उम्र में ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, डेफिनेटली नॉट। सचिन इंगे वहां करना, सांभर रखने में मेरा हेल्प करो। अम्मा मैं हेल्प कर दूं? अम्मा मैं रखती हूँ ना, अम्मा प्लीज अम्मा। अम्मा प्लीज टेल मी व्हाट रॉन्ग हैव आई डन। मैं कब से देख रही हूँ अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप भी तो इसी उम्र से गुजरी होंगी ना जिसे मैं गुजर रही हूं। मैं जानती हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूं, पर बिलीव मी अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मुझे वो हर जगह दिखाई देता है, उसका उठना बैठना, उसका घूमना फिरना, चलना फिरना, यहां तक कि उसका चुप रहना भी मुझे बहुत पसंद है। उसे याद करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे जिंदगी रंगीन हो गई, जैसे जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं है। उसे एक दिन नहीं मिलती तो ऐसा लगता है जैसे जैसे सदियों से नहीं मिली। अम्मा मैं आपको कैसे समझाऊं
कि मैं सब ऐसे दौर से गुजर रही हूँ जहाँ भूख लगने पर कभी कभी दुगना खा लेती हूँ और कभी बिल्कुल भी नहीं। मैं मानती हूँ कि ये अजीब है, पर अम्मा ये अजीब सी चीजें मुझे अच्छी लगने लगी है। केवल इस बात का ख्याल कि वो मुझे अगले दिन मिलने वाला है मुझे खुशियों से भर देता है। अम्मा आप ही बताइए, ऐसे में आप मुझे उससे दूर कैसे कर सकती हैं? ऐसे में कोई लड़की ऐसी कसम कैसे खा सकती है जो आप मुझे खाने के लिए कह रही हैं? अम्मा मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे मन में राज के लिए जो भी फीलिंग्स थी मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, इंतजार था तो सिर्फ उस सही वक्त का, पर आपको तो पहले से ही पता चल गया। अम्मा मैं आपको दोस्त की तरह मानती और मैं जानती हूँ कि आपको भी मुझ पर भरोसा है। अम्मा विश्वास कीजिए मैंने ना ही आपका कभी भरोसा तोड़ा है और ना ही कभी तोड़ूंगी। आजी हो गया तेरा या और कुछ कहना बाकी? कान खोलकर सुन ले, तेरे प्रवचन सुन के ना मेरा डिसीजन बदलने वाला नहीं है सुरंजदा। आखिर पहुंच ही गया, इतनी दूर गाड़ी चला के जान निकल गई। ये शुक्र है स्टीयरिंग ना निकला। मन्ने तो दूर ना ला गया से। अच्छा तो जाते वक्त तू चढ़ा लियो, मने भी ना लागेगा। ये जगह बिल्कुल ना बदली, एकदम वैसी की वैसी। समय तो जैसे यहाँ के लिए रुक सके, वही मकान वही रास्ता। आ गए देख ले, इन्हें भी यकीन ना था हमारे आने का। तू रश्मि है ना? और तू सुजाता? हाँ। और आप शांता भाभी? हाँ। भाई ये नामकरण संस्कार अगर हो गया हो ना तो अंदर जाके ऐलान कर दो कि हम आ गए, और जिसे यकीन ना हो ना तो उनसे बोल देना वो आके छू के देख लेंगे। आप मजाक क्यों कर रहे थे? अरे वाह थारा भी अच्छा है, जब मैं गुस्सा होता हूँ तो उन्होंने कहते हैं गुस्सा क्यों होते हो, अब मैं मजाक कर रहा हूँ तो उन्होंने कह रहे मजाक क्यों कर रहे हो। भाई ये औरतों को समझना ना मतलब बड़ी टेढ़ी खीर है। अब जो समझाना है ना अंदर चल के समझाना। तू जड़ में आता हूँ और जा। विजय चौटाला सामान रखने की इतनी जल्दी मत, एक बार सामान रख दिया तो रख दी, पहले अंदर जाके देख तो ले ये जगह रहने लायक है भी या नहीं। आओ आओ कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम, आ जाओ बैठ। तू यही है ना? अरे हाँ चाचा मैं ही विजय हूँ। देखो भाई कितना सूख गया है, कारोबार तो ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ चाचा बहुत अच्छा चल रहा है कारोबार। अरे तू तो खाता पीता क्यों नहीं है, सूख के आधा हो गया? अरे चाची लंबा हो गया इसलिए लग रहा होगा। एक मिनट पहले आप लोग डिसाइड कर लो सूख गया हूँ या लंबा हो गया। मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक। आदतें कहाँ जाती है मौसी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू आ गया है। उम्मीद तो हमें भी ना थी कि तुम गरीबों के घर क्यों आने लगा। ऐसी कोई बात ना है चाचा,
अब क्या है, जितना बड़ा कारोबार उतना ही काम। वो तो भैया थे तो मैं आ गया, भाई साहब ना होते ना तो मेरा आना नामुमकिन था। कैसा है सुशील? बहुत अच्छे और सबको याद करते रहते। बड़ा भला लड़का है, आज तक उसने मेरा कोई काम नहीं टाला है। कभी कभी टाल भी देना चाहिए। अरे चुप कर, शरारती कहेगा। भैया सुना है आपका बहुत बड़ा मकान है और खेत और बागीचे भी है, आप हमें यहाँ पर ले चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, उसी लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। इशार तक आए बेटा, थोड़ा दूर होके बैठा ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। कुड़ियो क्यों मुंडे नु परेशान कर रही हो, वैसे भी इतनी गर्मी है और ऊपर से उसके सिर पर चढ़ रही है, चलो हटो। इतनी गर्मी लग रही है तो ये लस्सी पी लीजिए, ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हो, कहाँ से सीखी? अरे सीखनी कहाँ से है, बस खुद से आ गई। मैंने पहले कभी तुम्हें देखा नहीं, तुम इनकी रिश्तेदार हो? हाँ मैं पूजा के पिता के दूर के रिश्तेदार हूँ, और आप? मैं पूजा के माँ की दूर की रिश्तेदार हूँ। अरे इसका मतलब हम दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं। भी शादी ब्याह का माहौल बहुत अच्छा होता है ना, लोग दूर दूर के होके भी पास आ जाते हैं। तुम किधर की हो? मैं रेवाड़ी के। रेवाड़ी? पर मैंने पहले कभी तो तुम्हें देखा नहीं। अरे शांता, इस नाच गाने ने मारे कान खा ली, मैं जरा गांव के चक्कर लगा के आ रहा था। खुली हवा में जाऊंगा ना तो शायद कुछ फर्क पड़े। सुनो जी, मैं भी साथ चलती हूँ ना। अरे संगीत ने पहली जान खा रखी हमारी, और अब तू साथ चलकर रही सही कसर भी पूरी कर दे।
और वैसे भी तू मेहंदी लगा रही है यहाँ पे। मेहंदी लगा, मैं होकर आता हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया? अगर आप होते तो आप क्या करते? और मैंने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? सब कैसे हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सरोजनी, मैं मानता हूं तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। ये तो शुक्र करो कि ये बात अम्मा तक ही पहुंची, पर पापा को पता चल जाता तब तुम क्या करती? अन्ना, you're more like a friend. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अम्मा को सब कुछ सच सच बताने वाली थी कि मैं पहले ही पता चल गया। सरोजनी, तुम मानो या ना मानो, पर तुमने देर कर दी। मैं अपने लेवल पे तुम्हें बता देता हूँ कि अम्मा का गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। पापा और अम्मा तुम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और किसी का ट्रस्ट पाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में एक मिनट नहीं लगता। आई नो, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से अम्मा का दिल दुखा, जिनके साथ मैं अपनी हर चीज शेयर करती थी, आज वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। मैं तो सच में फंस गई हूँ। एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। अभी से इतनी दुश्वारी पैदा हो गई है तो आगे न जाने क्या होगा। अभी तो उनको ये नहीं पता कि बस छूटने की वजह से मुझे मजबूरी में राज के साथ रहना पड़ा था। अगर ये पता चल गया फिर तो शायद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। सरोजनी, अब इसके बारे में ज्यादा सोचने का कुछ फायदा नहीं है। इन चीजों को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये अम्मा के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, लेकिन लेकिन वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। तुम अम्मा को थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। के बात से कोमल, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? ऐसा क्यों बोल रही है बड़ी माँ? वरना तू और चुपचाप लेटी रहे, ऐसा तो बस नींद में ही संभव हो सके है। बस
हाँ भाई, मने तो नींद में भी ऐसा संभव ना लगे। पर पापा, मने तो याद ना पड़ता कि मैंने आखिरी बार इसका मुंह बंद कब देखा था। अरे कोमल बता, नींद क्यों नहीं आ रही? बड़ी माँ आप तो सब जानती हो, पहली बार मामा ने छोड़ के गई है ना, इसलिए। ओ अरे मैं तो कहती हूँ कि शांता को बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अब देख, उसके जाने से तुझे पता चला ना कि तू अपनी माँ से कितनी जुड़ी हुई है। माँ की जुदाई के हुए है मरने से पूछ। 14 साल की उम्र में ब्याह हो गया था हमारा। जब तक मायके में थी माँ से कितना जुड़ी हुई हूँ कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ, और जब ससुराल आई तब पता चला। माँ की सुन ली ना, अब बाप की भी सुन ले। देख, माँ और बाप में कभी फर्क मत रखना। बाप भी अपनी औलाद को उतना ही प्यार करे है जितनी उसकी माँ। बस ये तो समाज ने मर्दों पे ठप्पा लगा रखा है, बेचारे रोने वाली स्थिति में भी ना रो ना सके। बड़ी माँ, क्या जरूरी है कि हर आदमी शादी करे? बेटा, जिंदगी अकेले ना कटती, बहुत लंबी हो वैसे। हाँ, शादी के बाद लगती भी लंबी है। चुप रहो जी। देख लिया प्रमाण? शादी के बाद इंसान उबासी लेने के बहाने ही मुंह खोल सके है। शादी से पहले मर्द बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बदल डालूंगा, वो बदल डालूंगा। अरे शादी के बाद अपनी मर्जी से टीवी का चैनल नहीं बदल सकते। इसलिए तो बड़े पापा, मैं ना करने वाली शादी वादी, अगर करने भी पड़े ना तो मैं छोरे को यही ले आऊंगी अपने घर। ऐसा है तो दहेज भी ले आ। कोमल, अरे बड़े पापा मजाक कर रहे हैं। अरे मेरे टाइम में तो कुछ नहीं मांगा, अब क्या मांगेंगे?